ये मंकी के दांत टूट रहे हैं, जैसे इंसान के बच्चों के होते हैं ना, मिल्क टीथ टूट जाते हैं, फिर दोबारा से निकलते हैं स्ट्रांग वाले, ऐसे ही कैट्स के साथ भी होता है। और हमारा मंकी जो है वो 3.5 मंथ का है, तो उसके अब दांत टूट रहे हैं, फिर अब उसके न्यू आएंगे। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं, और मेरी कैट्स भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और हेल्दी हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, एज यू नो कि विंटर स्टार्ट हो चुका है, और विंटर में हमें अपनी केयर भी करनी चाहिए, और हमारे साथ साथ हमारे जो पेट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इंसानों की तरह नहीं होती। सो आज की मेरी वीडियो जो है कैट्स की विंटर केयर के बारे में, और मैं किस तरह से अपने कैट्स की केयर करती हूँ, तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी इस वीडियो में, और आपको भी बताऊँगी आप किस तरह से अपनी कैट्स की केयर कर सकते हैं। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो आज की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है, रिदा फुदैल ब्लॉग्स के नाम से। अगर आप मेरी डेली लाइफ देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपना थोड़ा सा प्यार उस चैनल पर भी दिखाइएगा। सो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोगों ने ऑलरेडी कैट्स रखी हुई हैं, उनको तो इस बात का आइडिया होगा कि कैट्स को किस तरह के टेम्परेचर में रखना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग न्यू हैं, जिन्होंने न्यू कैट्स रखी हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैट्स की केयर हम लोग विंटर्स में कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कैट्स इतनी बीमार समर्स में नहीं होती जितनी विंटर्स में होती है। कैट्स को इतनी ज़्यादा समर्स में ज़रूरत नहीं होती केयर की जितनी विंटर्स में ज़रूरत होती है। वीडियो में मैं आपके साथ 6 पॉइंट शेयर करूँगी, और उसमें आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या काम करने हैं, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अपनी कैट को टेम्परेचर जो है उसको बिल्कुल मॉडरेट प्रोवाइड करना है। कैट्स जो हैं, जिन लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने पर्शियन कैट्स रखी होती हैं जिनके बड़े बाल होते हैं, और लोग सोचते हैं कि इनके बड़े बालों की वजह से इनको सर्दी नहीं लगेगी, तो वो इनको कैट्स को जो है ना वो बगैर हीटर के भी रख लेते हैं विंटर्स में, जब ज़्यादा सर्दी होती है या उनको इतना ज़्यादा नहीं ख्याल करते उनके टेम्परेचर का। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कैट्स के बाल चाहे जितने मर्जी लॉन्ग हों उनको फिर भी सर्दी लगती ही लगती है। इवन मैं ये कहूँगी कि जो बाहर की स्ट्रे कैट्स होती हैं, जो बिल्कुल शॉर्ट हेयर कैट्स होती हैं, उनकी इम्यूनिटी हमारे घर की कैट्स के बजाय ज़्यादा होती है, वो फिर भी हार्श एनवायरनमेंट और ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेती हैं बाहर की कैट्स। लेकिन हमारे घर में रहने वाली पर्शियन भी, बड़े बालों वाली कैट्स भी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती और बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। सो अभी तो नवंबर चल रहा है, नवंबर में तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, हीटर वाली सर्दी नहीं होती है, लेकिन दिसंबर में सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, जनवरी में ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कैट को हीटर प्रोवाइड करना है जब ज़्यादा सर्दी होगी। और या फिर आप उसको ये कर सकते हैं कि आपके घर में अगर इन्वर्टर एसी है तो आप इन्वर्टर एसी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इन्वर्टर ही, मैं अपनी कैट्स, सारी कैट्स को जो है ना एक मॉडरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करती हूँ, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सेकंड, आपने कैट्स को, आपने कोशिश करनी है कि आप धूप में लाजमी लेके जाएं, मॉर्निंग के टाइम में सनलाइट में, धूप में कैट्स को लाजमी लेके जाना है, इससे भी उनकी बॉडी जो है वो बहुत रिलैक्स होती है, उनका टेम्परेचर बॉडी का ठीक रहता है, और अगर उनको थोड़ी बहुत सर्दी लग भी गई होगी तो वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उनके हेयर जो हैं वो बहुत पिन पॉइंट पे आती है। कैट की क्लीनिंग, सर्दियों में कैट्स की क्लीनिंग कैसे करें, तो हम लोग जब चाहें कैट्स को नहला देते हैं, लेकिन विंटर्स में इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए। कैट्स को ज़्यादा बाथ नहीं देना, आपने मंथ में एक दफ़ा देंगे आप, उससे ज़्यादा कैट्स को जब भी हम लोग बाथ देते हैं, नहलाते हैं, उसके बाद चाहे हम उसको ड्राई भी कर लें, फिर भी अंदर से हेयर की जो रूट्स होती है ना वो थोड़ी बहुत गीली रह जाती है, और जिससे कैट्स जो है वो लेज़ी हो जाती है, बीमार हो जाती हैं। तो विंटर्स में ज़्यादा नहलाने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी कैट मैली नहीं होती है जल्दी, तो आप कोशिश करें कि आप उसको मंथ में एक दफ़ा नहलाएं, और उसको लुकवॉर्म वाटर से नहलाएं, पानी बॉईल कर लें, गर्म कर लें, या गीज़र है तो गर्म पानी से नहलाएं उसको, फिर
ड्राई करके और फिर उसके बाद भी उसको कैट को लाजमी धूप में लेकर जाएं, थोड़ी देर के लिए उसको धूप भी लगवाएं। अगर आप नहीं नहलाना चाहते अपनी कैट्स को ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, कैट को क्लीन रखने के लिए कैट्स के ड्राई शैम्पू आते हैं, जैसे टैल्कम पाउडर होता है उस तरह के होते हैं, तो आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं कैट्स की। ड्राई शैम्पू से ये होता है कि कैट्स जो है ना बिल्कुल वाइट सी हो जाती हैं या वो बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। तो आप नहलाने की बजाय, आप, मैं ये कहूँगी कि आपके जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो टू मंथ्स होते हैं दिसंबर और जनवरी, जिसमें ज़्यादा सर्दी होती है, तो आप इसमें उनको ड्राई शैम्पू भी। थर्ड पॉइंट पे आता है हाइपोथर्मिया का इशू। कैट्स को बहुत ज़्यादा होता है विंटर्स में। हाइपोथर्मिया क्या होता है, सर्दी की वजह से कैट का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, और अगर कैट्स का टेम्परेचर डाउन हो जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। और विंटर्स में बहुत सारे किटन्स और कैट्स जो है वो इसी वजह से उनकी डेथ होती है। और जितनी हमें बड़ी कैट्स की केयर करनी चाहिए, उससे डबल हमें छोटे किटन्स की केयर करनी चाहिए। किटन्स के लिए तो विंटर्स जो हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत ख्याल इनको केयर के साथ इनको पालना पड़ता है। तो आपने इनको जो है ना, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे मैंने आपको पहले प्रोवाइड करना है अपनी कैट्स के लिए, आप कोई सॉफ्ट सी बेडिंग आप मंगवा सकते हैं जो कैट्स के पेट हाउस मिलते हैं या उनके बेड्स मिलते हैं, आप वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या कहीं से भी आपको जहाँ से कैट की एक्सेसरीज मिलती है वहाँ से मिल जाएगा। तो अगर ये भी नहीं कर सकते तो खुद से कोई कैट को सॉफ्ट सा बिस्तरा बना दें ताकि कैट उस पर रहे, उसको जो है ना ठंडे फर्श पे वो ना सोए, इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि कैट्स का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है, मैंने आपको पहले बताया है कि कैट्स के लॉन्ग हेयर्स से कोई फ़ायदा नहीं होता है कैट्स को। आपने कैट्स को टेम्परेचर अच्छा प्रोवाइड करना ही करना है, उनको वार्म रखना है ताकि वो हेल्दी रहें। और विंटर्स में कैट्स को जो वायरल डिजीज़ ज़्यादा लगती हैं, आप अपनी कैट्स को कोशिश करें कि घर से बाहर कम ही निकालें, अपने ही घर में रखें, अपने ही टेरेस पे ले जाएं, धूप वगैरह लगवानी है बाहर ना लेके जाएं, क्योंकि विंटर्स में जो वायरल डिजीज़ हैं वो कैट्स को बहुत ज़्यादा लगती हैं। एंड मेक श्योर आप जो भी कैट्स अपने घर में रख रहे हैं उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें, क्योंकि अगर इन केस खुदा ना खास्ता उनको कोई वायरस अटैक करता भी है तो उनके अंदर इम्यूनिटी हो उसे फाइट। और अब बात करते हैं कि कैट्स को विंटर्स में क्या डाइट देनी चाहिए। विंटर्स में आप कैट्स को हर तरह की डाइट दे सकते हैं, जैसे वो शौक से खाते हैं, लेकिन यूजली हम लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में कैट फीड देते हैं, मैं तो देती हूँ अपनी कैट्स को, रिफ्लेक्स ज़्यादातर देती हूँ, तो बहुत अच्छी डाइट है वो दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि विंटर्स में कैट्स पानी पीना बहुत कम कर देती हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है, और डिहाइड्रेशन भी कैट्स के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। डिहाइड्रेशन कैट में नहीं होने देनी, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने कैट्स को जो है आप जो भी डाइट दे रहे हैं उसमें वाटर इनटेक भी हो। आप वाटर इनटेक आप किस फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी कुछ वीडियोज़ में बताया था, कैट्स को एंड स्पेशली किटन्स को मैं जो इनके बिस्किट्स होते हैं, ड्राई फूड होता है, उसको मैं पानी में सॉफ्ट करके देती हूँ। तो इस फॉर्म में भी आप जो है पानी दे सकते हैं कैट्स को, उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप होममेड डाइट बना के दे सकते हैं। होममेड डाइट में जो है बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है जिससे उनको डिहाइड्रेशन नहीं होती है। और थर्ड ऑप्शन में आप ये कर सकते हैं, चिकन बॉयल करके दे दें और बोनलेस चिकन दें, बोन्स बिल्कुल ना दें, और उस बॉयल चिकन के साथ जो चिकन की यखनी होती है, जो सूप होता है, वो भी कैट को दें आप। तो इस तरह से कैट्स के अंदर जो है डिहाइड्रेशन नहीं होगी, वाटर इनटेक जाता रहेगा, क्योंकि कैट्स विंटर्स में पानी पीना बहुत कम कर देती हैं। तो आपने डाइट में इस चीज़ का ख्याल रखना है, अदरवाइज आप कुछ भी खिला सकते हैं, आप उनको फिश भी खिला सकते हैं। सो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और विंटर्स हैं तो विंटर्स में आप कैट्स को मल्टी विटामिंस लाजमी दें, और आप कैट्स के लिए जो एक स्पेसिफिक फ़िश ऑयल आते हैं, फ़िश ऑयल आता है, आप उनको कैट्स को फ़िश ऑयल भी दे सकते हैं, वो भी विंटर्स में उनके लिए बहुत अच्छे है। इसके अलावा डाइट में जो कैट्स के जेली कैन फूड आते हैं, जो चंक्स में आते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उस फूड में भी जो जेली होती है में भी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वो भी कैट्स को दे सकते हैं, वो भी उनके लिए बहुत अच्छी डाइट है। बट डिपेंड करता है कि कैट को वो सूट करता है कि नहीं करता, कुछ कैट्स को बहुत ज़्यादा वो डाइट सूट नहीं करती है। सो आप जब अपनी कैट्स को देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसको बातें थी जो मैंने आपको बताई कि कैट्स की हम लोग विंटर केयर किस तरह से कर सकते हैं,
और सेम इसी तरह से हमने किटन की केयर की, आपने थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी है एज़ कम्पेयर टू बड़ी कैट, क्योंकि किटन्स जो हैं वो बिल्कुल ग्रोइंग एज पे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उनका आपने बहुत ख्याल रखना है। तो अब लास्ट में बात करते हैं कि कुछ विंटर्स के बेनिफिट्स भी होते हैं कैट्स पे। कैट्स की हेयर जो है विंटर्स में बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिन लोगों की कैट्स के जो है ना समर्स में बालों में मैट्स बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, बाल जुड़ जाते हैं, विंटर्स में ऐसा कोई इशू नहीं होता, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कैट्स का हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है विंटर्स में। सो ये एक ये बेनिफिट्स हैं। और उसके अलावा कैट्स को थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर अच्छा लगता है, जैसे विंटर्स होते हैं विंटर्स में कैट्स बहुत प्लेफुल हो जाती हैं, बहुत इंजॉय करती हैं खेलती। के बेनिफिट्स भी होते हैं, बस आप अपनी कैट की केयर कीजिए और केयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कैट को कुछ भी नहीं होगा। जैसे बच्चों को, हमारे इंसानों के बच्चों को केयर की ज़रूरत होती है, वैसे ही कैट्स को भी केयर की ज़रूरत होती है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और इंशाल्लाह अब मेरी कुछ आगे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं। मैं न्यू बॉर्न किटन की केयर भी विंटर्स में बताऊंगी आपको इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे घर में अब न्यू बॉर्न होने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। जिन जिन वीडियोस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं उन सब की रिक्वेस्ट पूरी करूंगी और सारी वीडियोस बनाऊंगी। थोड़ी सी मैं आजकल ठीक नहीं हूँ, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, तो इसलिए मेरी वीडियोज़ थोड़ी सी लेट हो रही थी, बट इंशाल्लाह मैं सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।